नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। पांडू के कचरू में संदिग्ध हालत में बस कंडक्टर की हुई मौत। परिजनों ने जहर देकर मारने की लगाया आरोप। खाना खाकर बस में ही सोने के दौरान हुई थी मौत। थानेदार ने कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा मौत का खुलासा। पांडू थाने के कचरू बस स्टैंड में सोमवार की रात खाना खाकर बस की सीट पर सो रहे कंडक्टर की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई है। मृतक कंडक्टर के परिजनों ने जहर देकर मारने का आरोप लगाया है, जबकि पांडू थाना प्रभारी समीर तिर्की ने कहा कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जानकारी के अनुसार रेहला थाने के केतात गाँव के 53 वर्षीय कंडक्टर उमेश चौबे बस लेकर कचरू गए थे। प्रतिदिन की तरह बस वहां जाकर रात को रुकती थी। पुनः सुबह बस वहां से अपने निर्धारित रूट में चलती थी। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक खाना खाने के बाद पहले की तरह बस में ही सो गया। सुबह जब उसे जगाने का प्रयास किया तो वह मृत पाया गया। वहां उपस्थित लोगों ने तत्काल इसकी सूचना थाने और मृतक के परिजनों को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को जांच पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम में भेज दिया है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने जहर देकर मारने की आशंका जताई है, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि मृतक की मौत हार्ट अटैक से हुई है, क्योंकि रात में उन्होंने बेचैनी और सीने में दर्द होने की बात अपने साथियों से बताई थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन छानबीन शुरू कर दी है। इधर घटना से मृतक के परिजन काफी आहत है और रो रो कर परिजन बेहाल है। करीब 10 बजे के लगभग में हमारे पास फोन कॉल आया वहीं से कि ये हमारे चाचा हैं, चाचा लगते हैं, ये डेथ कर गए। तो हम लोग स्थल पर पहुँचे और स्थल पर जाने के बाद वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा या वहाँ के ये जो एजेंट कंडक्टर बस का स्टाफ जो थे, उन लोगों ने बताया कि हम लोग सब 4 लोग मिल करके खाना खाए हैं एक साथ, और खाना खाने के बाद ये बोले कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, और सोने के लिए गए। जस्ट 15-20 मिनट बीता होगा, वहाँ से फिर आ रहे हैं कि मुझे सही नहीं लग रहा है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। तो इन लोग अफरा तफरी में कोई है वहाँ पर एक लोकल डॉक्टर, उसको उससे कंसल्ट किया तो भी बोला कि हम 5 मिनट के बाद हम आ पाएंगे, अभी हम पीपरी गांव में। तो उसके बाद जब वो पहुंचा तो उस वक्त तक इनका सांसें हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन ये ज़मीन पे गिर गए थे और इनके नाक मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया था। और झाग जब निकलना शुरू हो गया तो उसके बाद ये वो बोला कि आप लेके बाहर जाइए, तब तक ले इनका ये डेथ कर गए थे। उसके बाद यही वहाँ के लोगों ने बताया, लेकिन हम लोगों को पूर्णतः मैं एकदम आश्वस्त हूँ कि इनको कि कोई भी जहरीला पदार्थ दे करके खाना में या जब भी जिसे भी दिया गया हो इनको दे करके और मारा गया है। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर जांच कर, सच्चाई को पता कर और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यही मैं आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ललित कुमार चौबे। मैं वैसे अभी भी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ यहाँ का, प्रखंड का, और रांची एल्युमिनियम वर्कशॉप, स्टील ड्रॉलिंग, स्लाइडिंग खिड़की पार्टीशन, स्टील फर्नीचर, डोमाल स्लाइडिंग एंड फ्रीजर काउंटर, रिवॉल्विंग चेयर इत्यादि एल्युमिनियम से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हमारा पता है कचहरी रोड ब्लॉक के सामने, नगवा वार्ड नंबर 8, गढ़वा, झारखंड। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को CBSE पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। A&V फिल्म्स प्रोडक्शन एक बड़े स्तर पर डांसिंग, सिंगिंग एंड एक्टिंग का ऑडिशन करवाने जा रहा है, जिसमें विजेताओं को 5 लाख रुपए तक से पुरस्कृत किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में टॉप 5 में आने वाले प्रतिभागियों को फिल्म, वेब सीरीज तथा एल्बम में कार्य का मौका दिया
किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर 9518833632। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर, भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहाँ, पानी है वहाँ। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।